आज 16 तारीख है और 16 तारीख को पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी पूरे देश भर में 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो पूरे पिछले 8 महीने में कोविड से जूझने की लड़ाई में सबसे आगे रहे, यानी जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। और यही बात मुंबई में भी चल रही है। मुंबई के करीब 9 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सायन हॉस्पिटल है। आपने जब कोविड चरम पर था मुंबई में खास करके, तब सायन हॉस्पिटल का नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि तब सब कुछ नया था। कोविड से जूझने की तैयारी यहां पर सबसे ज्यादा हो रही थी और यह हॉस्पिटल उस इलाके में है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, मैं धारावी की बात कर रहा हूं। लेकिन आज जब पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तब देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन का स्वागत किया गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब वैक्सीन देने के लिए कर्मचारी अंदर आए, तब उन कर्मचारियों का स्वागत ताली बजाकर किया गया और उसके साथ ही जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको गुलाब का फूल देकर उन्हें कहा गया कि अब आप कोविड से बचने की लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठे हैं। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन इस सेंटर के अंदर हो रहा है। कुछ डॉक्टर से भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला वैक्सीन उन्होंने ही लिया हुआ है, और उनका क्या अनुभव रहा और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीन को लेकर कई सारी बातें चल रही है, तो अंदर जाकर देखेंगे कि उनका क्या मानना है इस वैक्सीनेशन की लड़ाई को लेकर और वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या पाया। ये सायन हॉस्पिटल के अंदर का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पर लग चुकी है और एक एक करके जिसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हम कहते थे, या जो कर्मचारी जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी ड्यूटी निभाई है, वो यहाँ पर आए हैं। उनको मैसेज आया हुआ है और कोविन ऐप पे इनका नाम डाला गया था और एक एक करके इन सेंटर्स में जाके उन्हें कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है दरअसल। और कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर। यहाँ पर डॉक्टर मोहन जोशी हैं, जो सायन अस्पताल के डीन हैं। उनके साथ में उनके कुछ कलीग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर, वैक्सीनेशन आखिरकार शुरू हो गया, जिसका कई महीनों से इंतज़ार था, और सायन अस्पताल इस पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा हुई वो सायन अस्पताल के बारे में हुई थी। वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि उसके ट्रायल्स बाकी थे, तो अभी भी कई लोगों में इसको लेकर आशंकाएं थी। आज आपने खुद वैक्सीन लिया हुआ है, और आपका क्या अनुभव रहा और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मेरा ये अनुभव है कि वैक्सीन काफ़ी सेफ है, क्योंकि ये वैक्सीन की ट्रायल में मैं जब नायर में था तभी मैं इन्वॉल्व था, और अभी हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने सायन हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की ट्रायल किया, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके सेफ्टी के बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था, और इसलिए मेरा नाम आज फर्स्ट था। हमारे साथ 43 हमारे टीचर, एडिशनल डीन, बहुत सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब लोगों ने, इधर 43 लोगों ने, टीचर्स ने, मेडिकल टीचर्स ने वैक्सीन लिया है, और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी सेफ है और ये लेना जरूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और कोरोना जैसी बहुत तीव्र महामारी के अगेंस्ट ये विक्ट्री का दिन है। लेकिन डॉक्टर, जिसका मैंने जिक्र किया कि सायन अस्पताल का नाम लगातार कोविड के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा, अभी की स्थिति क्या आपको बताती है? क्योंकि आप उस इलाके में थे, वो इलाका भी काफी चर्चा में रहा, धारावी की मैं अगर बात करूं तो। आज की स्थिति क्या है अस्पताल में? क्या अब हम बेहतर प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने में? और वैक्सीन का जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके मोराल पे क्या असर होगा, क्योंकि उनमें भी काफी डर था शुरुआत में अगर हमने देखा। ये वैक्सीन की वजह से सब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है इनका मोराल काफी बढ़ रहा है। एक जमाना था जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, जब अस्पताल में सन्नाटा था और बहुत सारे मृत्यु होते थे, अभी आज अस्पताल में जल्लोष का वातावरण है। हर एक आदमी जो आप इधर देख रहे हो वो बहुत आनंदी और चीयरफुल है, और ये वैक्सीन लेने की जो प्रक्रिया है ये दिवाली के महोत्सव की माफक ये अस्पताल में सेलिब्रेट हो रही है। सो ये काफ़ी बहुत अच्छा दिन है और हमारे लिए, भारत के लिए एक सुवर्ण दिन है, और ये कोरोना की लड़ाई के अगेंस्ट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, गोल्डन डे है इन द हिस्ट्री ऑफ कोरोना पेंडेमिक।